हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये थोड़ा सा कुलाम सला के बारे में बात करते हैं। जनरली बच्चों को ये डाउट होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, और ये बात कितनी हद तक सही है और कहाँ तक सही है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। जनरली देखो, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कभी फोर्स लगाता ही नहीं है, तो कौन फोर्स लगाता है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, यहां से एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज यहां से Q2 है, ये चार्ज Q2 है। तो अब देखो, अगर यहां से इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है R, तो अगर इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं लिखूं, तो 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और ये R का स्क्वायर, ठीक है। ये अब ये फोर्स क्या है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो Q1 ने Q2 पे लगाया और Q2 ने Q1 पे लगाया, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड है। और इस मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो ये जो फोर्स है वो F1 इधर, मान लो F1 इधर लगा, और ये जो फोर्स है वो F2 इधर लगा, और ये दोनों पॉइंट चार्ज है, लंबे टाइम से रेस्ट में रखे हुए हैं। मतलब ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड यहाँ पर है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो Q1 है Q2 पर एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, Q1 ने Q2 पर और Q2 ने Q1 पे ऐसे लगा रहे हैं। बट अगर देखो, अगर Q1 Q2 पर लगा था, तो अगर मैं Q2 को यहाँ, ये जो Q1 फील्ड बनाया है, वैसे तो ऐसे ऐसे दो पॉइंट चार्ज, सिर्फ दो पॉइंट चार्ज ऐसे कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकते, असंभव है। लेकिन मैं उनको मान लिया हूँ, अज्यूम कर लिया हूँ कि ये दोनों रेस्ट में हैं, दोनों एक्सेलरेट कर जाएंगे रियल में अगर रखोगे तुम। चलो, अगर मैं अगर Q1 या Q2 पर फोर्स लगाता, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर मैं Q2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि देखो Q1 ने जो फील्ड बनाया है वो यहाँ से लेके थ्योरेटिकली अप टू इन्फिनिटी तक है। यहाँ से जो फील्ड स्टार्ट हुआ, उसकी हर पॉइंट पे एक यूनिक वेक्टर एक क्रिएट किया है, और वो यूनिट वेक्टर यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक है, और उस फील्ड में Q2 है। अब मैं Q2 को शिफ्ट करूँगा, Q2 को ये इक्वेशन देखो तभी होल्ड होगा जब लंबे टाइम तक ये रेस्ट में है। अब मैं Q2 को अगर यहाँ शिफ्ट किया, या Q2 को मैं यहाँ उठा के रख दिया, तो यहाँ पे जो फील्ड हो, यहाँ पर जो फील्ड होगा वो एक्चुअली समझने की कोशिश करना उसके लिए, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो जैसे ही मैं उठा के रखूँगा, क्या वैसे इस पे तो फोर्स बदल जाएगा, क्या उसी मोमेंट इस पे भी फोर्स बदलेगा? नहीं। अगर हम रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी लगाए, देखो ये वाला होल्ड तब तक है जब तक फील्ड स्टैटिक है। जैसे ही तुम चार्ज की लोकेशन चेंज करने लगोगे, वैसे ही फील्ड जो है वो फ्लक्चुएट करने, वेरी करने लगेगी। हर पॉइंट पे अगर चार्ज को रखोगे, तो हर पॉइंट पे जो फील्ड है वो वेरी करने लगेगी, और उस फील्ड को प्रोपोगेट होने में, वो इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, और उस टाइम ड्यूरेशन में न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो, अगर ये फोर्स लगाता तो डायरेक्ट बदल जाता है, यहाँ पे ये फोर्स लगाता ही नहीं, यहाँ की जो लोकल फील्ड है, यहाँ पर जो लोकल फील्ड है वो इस पर फोर्स लगा रही है। अगर फील्ड ही नहीं है तो फोर्स ही नहीं आएगा। लेकिन फील्ड क्रिएट कौन किया, तो फील्ड Q1 ने क्रिएट किया है। तो लेकिन Q1 किसकी हेल्प से फोर्स लगा रहा है, फील्ड की हेल्प से फोर्स लगा रहा है, डायरेक्ट नहीं लगा रहा, इनडायरेक्ट लगा रहा है, क्योंकि वो मतलब समझ रहे ना, फील्ड फोर्स लगा रही है, फील्ड का कॉन्सेप्ट अलग है और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखो, अब एक सिनेरियो समझो, यहाँ से एक सिनेरियो समझो, अगर एक चार्ज Q1 है, ये जो डिस्टेंस है, और एक चार्ज ये Q2 है जो काफ़ी दूर है, बहुत लंबे टाइम दूर है, और एक डिस्टेंस है जो वन लाइट ईयर है, वन लाइट ईयर है, तो ये लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, तो दिस इज द वन लाइट ईयर डिस्टेंस। वो लाइट ईयर क्या होता है यार, लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई द लाइट इन वन ईयर, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द लाइट इन ईयर, मतलब लाइट की स्पीड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, तो 365 डेज और मल्टीप्लाइड बाई लाइट के स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो वन लाइट ईयर आएगा।
तो वन लाइट ईयर अगर डिस्टेंस है ये वाली चीज़, तो चलो मान लो Q1 और Q2 लंबे टाइम तक रेस्ट में है, बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट में, वन लाइट ईयर एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है और कुल मिला के अभी तक सब कुछ ठीक है और ये इस पर एक फोर्स F1 लगा रहा होगा इधर की डायरेक्शन में और ये यहाँ पर जो फील्ड होगी वो इस पर F2 इधर की डायरेक्शन में लगा रही होगी। न्यूटन थर्ड लॉ अभी तक वैलिड है, सब कुछ सही है, बट अगर इस चार्ज को मैं एक छोटा सा इधर डिस्प्लेसमेंट दे दूं x, तो ये जो चार्ज q2 है, ये चार्ज q2, तो चार्ज q2 को जैसे ये डिस्टेंस r था, तो ये जो चार्ज q2 को डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस पे तो लगने वाला फोर्स तो अब चेंज हो गया होगा और वो चेंज हो गया f1 डैश हो चुका होगा, इस पे लगने वाला फोर्स इधर f1 डैश हो गया क्योंकि इसके मैंने फोर्स f1 डैश q e डैश यहाँ पर जो फील्ड है, पहले यहाँ इस पे फोर्स कितना था q e, जो कि यहाँ पर फील्ड थी, जो कि यहाँ पर फील्ड थी वो फोर्स इस पे लगा रही थी और यहाँ पर फील्ड e डैश है, तो इस पे फोर्स आ जाएगा q e डैश जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करूँगा। तो क्या इस पे भी फोर्स, अब इस पे जो f, ये जो चार्ज है जो ये रेस्ट में है, इसको मैं रेस्ट में कर दिया, क्या अब इस पे भी फोर्स q e डैश लगेगा, तुरंत लगेगा? नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको इस तक इंफॉर्मेशन पहुँचने में, ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जिससे इसमें आर में कोई चेंजिंग नहीं है ज़्यादा, बट थोड़ा सा चेंजिंग मैं कर दिया हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन इसको पता चलने में 365 एक साल लग जाएंगे। मान लो मैंने 1 जनवरी 2025 को मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के स्पीड से चलती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाए भाई? टाइम इक्वल टू बोलो एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस 365 वन लाइट ईयर सी और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक साल लग जाएगा, ठीक है। इस इनफॉर्म इसको इस पे जो फोर्स है, इस पे फोर्स बदल चुका हो क्यू ई डैश, वो बात इसको पता लगने में एक साल लग जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2025 को अगर मैं इसको चेंज किया था, तो इसको 1 जनवरी 2026 को पता चलेगा कि मेरे ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो बदल चुका है, क्यू ई डैश हो चुका है, मतलब उस लंबे 2025 365 दिन तक न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं होगा, न्यूटन का लॉ नहीं लगेगा। तो क्या कूलम्ब्स लॉ ऐसे तो वायलेट हो जा रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है, इसको स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट नहीं है। कूलम्ब्स लॉ कहने का मतलब मेरा तब तक सही है जब तक कि फील्ड स्टैटिक है, फील्ड स्टैटिक मतलब लंबे टाइम तक फील्ड रेस्ट में है और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स चार्ज नहीं लगाता है, एग्जिस्टिंग वहाँ पर जो लोकल फील्ड है वो फील्ड लगाती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।